नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोशन पिक्चर्स रिकैप्स में, जहां हम आपको फिल्मों की दिलचस्प कहानियां आसान और मनोरंजक अंदाज में सुनाते हैं। हमारे साथ जुड़िए और फिल्मी दुनिया की रोमांचक कहानियों का आनंद लीजिए। फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटे से शहर को देखते हैं, जहाँ के लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुटे होते हैं। गलियां रोशनियों से सजी होती हैं और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। लोग नाच गा रहे होते हैं, मुस्कान उनके चेहरों पर छाई होती है। लेकिन इस खुशहाल माहौल के बीच एक आदमी ऐसा है जो बिल्कुल खुश नहीं होता। इस आदमी का नाम स्क्रूज है। स्क्रूज का स्वभाव चिड़चिड़ा और कठोर होता है। एक दिन कुछ लोग उससे क्रिसमस के लिए चंदा मांगने आते हैं। स्क्रूज ना सिर्फ उन्हें चंदा देने से मना कर देता है, बल्कि उनसे बुरी तरह से बात भी करता है। उसके इस व्यवहार के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। फिर स्क्रूज अपना उधार वसूलने के लिए एक खिलौने की दुकान पर जाता है। दुकान का मालिक टॉम है। टॉम के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं होते कि वह अपना उधार चुका सके, इसलिए वह स्क्रूज से कुछ और दिन का समय मांगता है। स्क्रूज उसे सिर्फ 2 दिन का समय और देता है, लेकिन बदले में 25 रुपए और बढ़ा देता है। यह सुनकर टॉम काफी दुखी हो जाता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। अब हम स्क्रूज के भांजे हैरी को देखते हैं। हैरी अपने मामा स्क्रूज को क्रिसमस की डिनर पार्टी के लिए निमंत्रण देने आया होता है, लेकिन स्क्रूज तुरंत मना कर देता है। स्क्रूज अपने भांजे हैरी से नफरत करता था, क्योंकि हैरी के जन्म के वक्त ही उसकी प्यारी बहन का निधन हो गया था। स्क्रूज अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार हैरी को मानता था। स्क्रूज हैरी को मना करते हुए कहता है, आज के दिन ही मेरे बिजनेस पार्टनर जैकब की मौत हुई थी, और तब से मुझे अकेले ही बिजनेस संभालना पड़ रहा है, इसलिए मेरे पास किसी भी उत्सव के लिए समय नहीं है, और क्रिसमस के दिन ही मेरी बहन का निधन हुआ था, इसलिए मैं क्रिसमस जैसे मनहूस त्योहार को कभी नहीं मनाऊंगा। अपने मामा की कठोर बातें सुनकर हैरी उदास मन से वहां से चला जाता है। फिर हम स्क्रूज के यहाँ पर काम करने वाले एक वर्कर बॉब को देखते हैं। बॉब स्क्रूज से क्रिसमस के लिए छुट्टी मांगता है। स्क्रूज उसे बेमन से छुट्टी तो देता है, लेकिन उसकी पगार में से कुछ पैसे काट लेता है। बॉब कहता है, मुझे अपने बेटे के लिए दवा लेनी है, इसलिए पगार मत काटना। लेकिन स्क्रूज उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद बॉब अपने बेटे टिम से मिलता है। टिम इतना बीमार होता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। स्क्रूज खिड़की से ये सब देखकर थोड़ा अफसोस करता है कि उसे बॉब के पैसे नहीं काटने चाहिए थे। अब रात के समय स्क्रूज जब अपने कमरे में सोने जाता है, तब वह अपने कमरे में चारों तरफ बर्फ की एक परत जमते हुए देखता है। ये सब देखकर वह काफी डर जाता है। इसी दौरान उसे अपने बिजनेस पार्टनर जैकब का भूत दिखाई देता है, जो जंजीरों में बंधा हुआ होता है। जैकब के इस रूप को देखकर स्क्रूज और भी डर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि वह कोई सपना देख रहा है। जैकब उससे कहता है, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। जैकब स्क्रूज को अपनी जंजीरें दिखाते हुए कहता है कि यह सब उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। उसने अपने जीवन काल में बहुत से बुरे काम किए, जिसकी वजह से आज वह इन लंबी लंबी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन वह यह नहीं चाहता कि स्क्रूज भी मरने के बाद उसकी तरह ही इन जंजीरों में जकड़ा जाए, इसलिए वह उसे चेतावनी देने आया है। जैकब कहता है कि वह उसके पास 3 फरिश्तों को भेजेगा, जो उसके पास बारी बारी से आएंगे और उसे उसके जीवन से जुड़ी कुछ चीजें दिखाएंगे। वे जो दिखाएंगे उससे सबक लेकर वह अपने जीवन को बेहतर बनाए, ताकि मरने के बाद वह उसकी तरह जंजीरों में न जकड़ा जाए। इतना कहने के बाद जैकब वहां से गायब हो जाता है। यह सब देखकर स्क्रूज काफी परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। तभी अचानक उसके घर की दीवारें फिर से हिलने लगती हैं, जिसके बाद हम यहाँ मोमबत्ती से बनी एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की जैकब द्वारा भेजी गई पहली फरिश्ता होती है। लड़की स्क्रूज से कहती है कि उसे उसके दोस्त ने भेजा है, ताकि वह उसे उसके अतीत के बारे में दिखा सके, जिससे उसे यह पता चल सके कि उसने अपने अतीत में कौन कौन सी गलतियां की हैं। इसके बाद वह लड़की स्क्रूज को उसके अतीत में ले जाती है, जब स्क्रूज बहुत छोटा था। वह उस समय बहुत गरीब भी था। वह पैसे कमाने के लिए क्रिसमस के दिन भी काम कर रहा था। यहीं पर हम उसकी छोटी बहन को देखते हैं, जिसे कोई बीमारी होती है। बीमारी के कारण वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। आज क्रिसमस था, इसलिए वह स्क्रूज को अपने हाथ से बनाया हुआ एक उपहार देती है। अब बड़ा वाला स्क्रूज जब यह देखता है, तो उसे बॉब के बेटे टिम की याद आती है, जो उसकी बहन की तरह ही बीमार था, लेकिन इसके बाद भी उसने बॉब के पैसे काट लिए थे। यह देखकर स्क्रूज अपने व्यवहार की वजह से दुखी हो जाता है। यहाँ पर लड़की पूछती है कि आगे चलकर उसकी बहन का क्या हुआ, वह बच्ची ठीक हो पाई या नहीं।
इस पर स्क्रूज कहता है कि उसने अपनी बहन का इलाज एक अच्छी जगह पर कराया जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन वह हमेशा से ही कमजोर थी। इस वजह से अपने बेटे हेनरी को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई और इसी कारण वह अपने भांजे हेनरी से नफरत करता है। इसके बाद वह लड़की उसे उसकी युवावस्था के समय में ले जाती है। उस समय स्क्रूज का पूरा ध्यान अपने करियर बनाने में था। इसी दौरान उसे अपने मालिक की बेटी से प्यार हो गया था जिसका नाम एलिजाबेथ था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपना काम बदल लिया और जैकब नाम के एक व्यक्ति के साथ काम करने लगा। यह वही व्यक्ति था जिसने स्क्रूज को सुधारने के लिए 3 फरिश्तों को भेजा था। जैकब दिन रात केवल पैसों के बारे में ही सोचता था। वहीं जैकब के साथ रहते रहते स्क्रूज भी उसके जैसा ही बन गया था। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वह एलिजाबेथ को समय नहीं दे पा रहा था, इस वजह से एलिजाबेथ उसे छोड़कर चली जाती है। अब अपने अतीत को देखकर स्क्रूज काफी दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि काश उसने पैसों को महत्व न देकर एलिजाबेथ को रोक लिया होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। अब वह लड़की उससे विदा लेते हुए कहती है कि उसने उसका अतीत दिखाया है, अब कोई और आएगा जो उसका वर्तमान दिखाएगा। यह कहकर वह लड़की गायब हो जाती है, जिसके बाद अब स्क्रूज उड़ते हुए किसी दूसरी जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर वह अजीब तरह के जीवों को देखता है। तभी यहाँ पर एक अजीब किस्म का मोटा सा आदमी आता है। वह यहाँ पर स्क्रूज का वर्तमान दिखाने के लिए आया होता है। वह कहता है कि उसके खड़ूस व्यवहार की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। अब यह दिखाने के लिए वह उसे लेकर हेनरी के घर जाता है। यहाँ पर सभी लोग क्रिसमस की पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर हेनरी सभी लोगों से अपने मामा के लिए दुआ मांगने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग स्क्रूज से नफरत करते थे, इस वजह से कोई भी उसके लिए दुआ नहीं मांगता है। यह देखकर हेनरी कहता है कि उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी माँ अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। इसका मतलब मेरे मामा उतने भी बुरे इंसान नहीं है, उनके अंदर अब भी एक अच्छा इंसान छिपा हुआ है। यह कहकर हेनरी अपनी माँ की फोटो को देखते हुए भावुक हो जाता है। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें कभी भी अपना नहीं माना, वह हमेशा से ही तुमसे नफरत करते हैं। इस पर हेनरी कहता है कि मुझे यह सब पता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन्हें अपना मामा मानता हूँ। जब यह सब स्क्रूज देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब यह फरिश्ता कहता है कि देखो, तुमने उसे मामा के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, इसके बावजूद भी वह तुम्हें अपना मानता है। वह हर साल तुम्हें अपनी क्रिसमस पार्टी में आमंत्रित करने आता है, लेकिन तुम हर बार उसे मना कर देते हो। अब वह उसे उसके कर्मचारी बॉब के घर ले जाता है। यहाँ पर बॉब और उसका परिवार मिलकर क्रिसमस की पार्टी मना रहे होते हैं, लेकिन इस पार्टी में बॉब का बेटा टिम शामिल नहीं होता क्योंकि वह बहुत बीमार होता है। बॉब और उसकी पत्नी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम अपने बेटे का इलाज अच्छे से कर पाते। यह सब देखकर स्क्रूज काफी दुखी हो जाता है। अब वह फरिश्ता कहता है कि यह तुम्हारा वर्तमान है, अगर तुमने अब भी अपने व्यवहार को नहीं सुधारा तो तुम्हारे भविष्य में इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। यह कहकर वह वहां से गायब हो जाता है। अब एक बार फिर से बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक महिला आती है जो स्क्रूज को भविष्य में लेकर जाती है। भविष्य में स्क्रूज एक ऊंचे टीले पर खड़ा होता है। यहाँ पर वह अपने कर्मचारी बॉब को देखता है। बॉब अकेले ही बैठा हुआ रो रहा होता है। इस पर वह महिला कहती है कि बॉब का बेटा टिम बहुत बीमार था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वे उसका इलाज नहीं करवा पाए, जिसके कारण टिम की मौत हो गई। अब स्क्रूज को अपने व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है, वह काफी दुखी हो जाता है। अब वह महिला उसे उसके घर ले जाती है जहां वह मर चुका होता है। उसकी मौत के बाद कोई भी उसके अंतिम संस्कार में नहीं आता है। ये देखकर वह काफी दुखी हो जाता है और रोते हुए कहता है कि काश मैं अपने बुरे व्यवहार को बदल सकता तो आज मेरी मौत के बाद यहाँ पर कोई तो होता, मैं बॉब की मदद जरूर करता ताकि उसके बेटे की जान बच जाती। यह सब देखकर स्क्रूज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह चारों ओर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। यह देखकर उसे समझ में आता है कि उसे जैकब ने चेतावनी देने के लिए किसी को भेजा था। वह अपने भांजे हैरी के घर जाता है और उसे उसकी माँ के हाथ से बनी हुई एक गुड़िया गिफ्ट करता है। यह देखकर हैरी बहुत खुश होता है। इसके बाद वह अपने मामा से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वह अपने बुरे कर्मों को सुधारने का वादा करता है। अब वह बॉब के घर जाता है। बॉब को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है ताकि वह टिम का अच्छा इलाज करवा सके।
यह सब देखकर बॉब और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वह क्रिसमस की पार्टी के लिए सभी लोगों को अपने घर बुलाता है। वह उन सभी गरीब लोगों का उधार माफ कर देता है जिनसे उसने पैसे लिए थे। यह सब देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह सबकी खुशी और हंसी के साथ फिल्म का अंत होता है।